देश भर में देव भाषा के नाम से जानी जाने वाली संस्कृत भाषा को प्रमोट करने और लोगों को इससे जागरूक करने के उद्देश्य से अनोखी क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें राजधानी भोपाल के तमाम कर्मकांडी ब्राह्मण धोती कुर्ता पहनकर क्रिकेट के बल्ले पर हाथ आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। भोपाल के अलग अलग इलाकों से अंकुर परिसर में पहुंचे कर्मकांडी ब्राह्मणों ने धोती कुर्ते में क्रिकेट के जौहर दिखाए, साथ ही मैदान पर संस्कृत भाषा में कमेंट्री भी आकर्षण का केंद्र बनी रही। आपने ज्यादातर कर्मकांडी ब्राह्मणों को मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ या अन्य अनुष्ठान करते जरूर देखा होगा, लेकिन हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसे कर्मकांडी ब्राह्मण जो यज्ञ की वेदी पर अनुष्ठान के साथ साथ क्रिकेट भी खेलते हैं, और वो भी उनकी पारंपरिक वेशभूषा यानी धोती और कुर्ते में। जी हाँ, ये नजारा है राजधानी भोपाल के अंकुर खेल मैदान का। सुबह से ही राजधानी भोपाल के अंकुर परिसर मैदान पर शहर भर के कर्मकांडी ब्राह्मण इकट्ठा होना शुरू हो गए, और कारण था संस्कृत भाषा को देश भर में स्थान दिलाकर लोगों में संदेश पहुंचाने का। देश की सबसे पुरानी और देव भाषा के रूप में जाने जाने वाली भाषा संस्कृत है, और इसको अन्य भाषाओं की तुलना में अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। यहाँ पर एक और खास बात देखने को मिली जब यहाँ पर कमेंट्रेटर ने कमेंट्री शुरू की, क्योंकि ये कमेंट्री अंग्रेजी या हिंदी में नहीं बल्कि संस्कृत में की जा रही थी। पुनः एक बार गतः गतः अंतोहवत इदानीं अंतमिति जातः सतीश सतीश नाम का क्रीडालवः एषः बहुत्तमः क्रीडापटुः छात्रः अयम्, किन्तु अद्य न किमपि कृतवान् स्वकीय दलस्य कृते अस्तु भवति। बहु दुष्करम् किन्तु अयम् नायकः भेत्तुं शक्तुमन्तः। ओ बहु वेगा ताडितः किन्तु महर्षि वैदिक परिवार द्वारा आयोजित क्रिकेट स्पर्धा को लेकर पंडित कपिल शर्मा और चंद्रशेखर तिवारी का कहना है कि संस्कृत भाषा को देश भर में ऊंचा स्थान दिलाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है, और ये संदेश लोगों को दिया जा रहा है कि अंग्रेजी और हिंदी भाषा के अलावा संस्कृत में भी क्रिकेट की कमेंट्री की जा सकती है। देश भर में संस्कृत भाषा को बढ़ावा मिल सके इसको लेकर भी आयोजन माना जा सकता है। आप देख रहे होंगे कि सब लोग धोती कुर्ता में, सभी कर्मकांडी ब्राह्मण है, और कर्मकांड करते हुए ये अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्म और वैदिक जो हमारी वेदों की वेद पाठ की जो भाषा संस्कृत है, उस संस्कृत भाषा के माध्यम से हम लोग कॉमेंट्री कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग वेद पाठ की भाषा को कहते भी है, समझते भी है, और उसमें हम बात भी कर सकते हैं। इसलिए हमारे सभी छात्र वैदिक रीति रिवाज से ये खेल का आनंद लें। देखिए, हमारा यही प्रदर्शन है कि संस्कृत भाषा हमारी जो है वो राष्ट्रभाषा है, वेदों की भाषा है, देवताओं की भाषा है। जब तक आप मंत्र उच्चारण नहीं करेंगे तब तक बिगर मंत्र के भगवान समझ नहीं पाएंगे। भगवान की भाषा भी, देवताओं की जो भाषा है वो भी संस्कृत है। इसलिए संस्कृत के माध्यम से हम इसको प्रचारित करना चाह रहे हैं, और ये प्रयास कर रहे हैं कि संस्कृत भाषा जो है वो सर्वोपरि है, इसलिए उसकी प्रमुखता देश में होनी चाहिए। जिस प्रकार आप अंग्रेजी को प्राथमिकता दे रहे हैं, तो अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, अंग्रेजी तो पाश्चात्य भाषा है, लेकिन अंग्रेजी का चलन सबसे ज्यादा है, हिंदी का चलन भी उतना नहीं है। संस्कृत और हिंदी ही हमारी मातृभाषा है, इसका जो है प्रचलन ज्यादा होना चाहिए, ये भी एक हमारा संदेश। गुरुकुल परंपरा से हम लोग पढ़े हैं, हमने वेदों का अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, और उसमें हमें खेल क्रीड़ा का भी अध्ययन कराया गया है। लेकिन यहाँ पर आकर के जब अपने अपने स्वाद स्वकर्मों में सब लोग लीन हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं समय खेलने का नहीं मिल पाता था। इस बार विचार बनाया, सभी से संगोष्ठी की कि क्यों ना ऐसा एक आयोजन किया जाए जिससे आने वाले हमारे जो पीढ़ी है वह खेले और इस आयोजन का आनंद भी ले सके। परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी का एक स्वप्न था कि मेरे जो वैदिक राजकुमार हैं वे हर क्षेत्र में आगे हों, ज्योतिष हो, वेद हो, कर्मकांड हो, या खेल या कूद हो। कहीं ना कहीं आप और हम सब जानते हैं कि संस्कृत भाषा देव भाषा है ना, सर्वप्रथम भाषा है संस्कृत भाषा है। तो इसको जो लोग विस्मृत कर रहे हैं और उपयोग में नहीं ले रहे हैं, उसके उपयोग के लिए कि कहीं ना कहीं ये हर विषय में, हर क्षेत्र में ये कहीं ना कहीं जरूरी है, इसके विषय के लिए संदेश हम लोग देना चाहते हैं कि संस्कृत को कभी ना भूले, कभी ना भूले। क्रिकेट मैच तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन क्रिकेट मैच जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर प्लेयर्स भी हैं, एम्पायर्स भी हैं, लेकिन ये वैदिक रीति रिवाजों को एक बार फिर से जागरूक करने की पहल की गई है। वैदिक
परिवार के द्वारा यहाँ पर जो प्लेयर्स आप देख रहे हैं ये दिन में कर्मकांड करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, साथ ही वैदिक रीति रिवाजों के साथ ही खुद की जो प्रतिभा है, खेल की जो प्रतिभा है वो दिखाना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से धोती कुर्ता पहनकर ये जो प्लेयर्स हैं यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं। इसके साथ ही इस पूरे ही कार्यक्रम की एक और USP है, इस कार्यक्रम में जो कॉमेंट्री हो रही है वो भी संस्कृत के माध्यम से की जा रही है। संस्कृत के माध्यम से ही प्लेयर्स के नाम जो रन बनाए जाते हैं, विकेट लिए जाते हैं, तो इस सब में संस्कृत के माध्यम से ही बताया जा रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि जिस संस्कृत भाषा को हम लगातार बोलते जा रहे थे उस संस्कृत भाषा को फिर से जीवित करने की कोशिश की जा रही है। संस्कृत के माध्यम से पूरी ही कम्युनिटी की जा रही है, उस कम्युनिटी में उसी तरह का रोमांच सुनते अंग्रेजी कॉमेंट्री सुनते उसमें किस तरीके का रोमांच होता है, संस्कृत के भाषा के माध्यम से संस्कृत को जिंदा करने की भी कोशिश। इसके साथ ही यहाँ के जो प्लेयर्स हैं, अब से कुछ देर पहले हमने आयोजकों से भी बात की थी, उनसे उद्देश्य के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा था कि पूजा पाठ के साथ ही जो प्रतिभा होती है जो वैदिक रीति रिवाज होते हैं उसके बारे में भी लोग संस्कृत भाषा को जो लोग भूलते जा रहे हैं उसको भी फिर से जानने की जो कोशिश है वो हमारे द्वारा की जा रही है। तो अनोखा प्रयास है, अपने आप में एक अलग कोशिश की जा रही है आयोजकों के द्वारा। इसके साथ ही जो प्लेयर्स हैं, क्योंकि आमतौर पर जो प्लेयर्स होते हैं वो ट्रैक पहन के खेलते हैं, जूते पहन के खेलते हैं, लेकिन ये जो पंडित हैं इनकी जो वेशभूषा होती है जब कर्मकांड के समय करते हैं तो उसी प्रकार धोती और कुर्ता पहनकर क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, अपनी संस्कृति के बारे में ही बता रहे हैं, साथ ही संस्कृत को भी बचा रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ वैभव गुप्ता, भोपाल।